नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं मनी सेंटर की वीडियो, यानी हमारी वीडियो। आज सभी लोग गर्मियों से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर रहे हैं। कोई भी गर्मी से परेशान होना नहीं चाहता है, इसलिए सभी लोग गर्मी से दूर करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं और खुद को गर्मी से दूर रखते हैं। अगर आप भी इस गर्मी में एसी खरीदने की सोच रहे हैं और एसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी के क्या फायदे होते हैं, एसी के क्या नुकसान होते हैं और एसी खरीदने से पहले आपकी बिजली बिल कितनी खर्ची होगी और एसी खरीदने से पहले कौन कौन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। हम आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। अब गर्मियां और भी तेज हो गई हैं और सभी को अपने घर में कूलर और एसी यूज करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। एसी गर्मी के मौसम में हमारे घर को या ऑफिस को ठंडा रखता है, या जिस भी जगह आपने एसी लगाया है उस जगह को ठंडा रखता है। जिस जगह पे एसी लगा होता है वो वहां गर्म हवा को सोखता है और उसे अपने अंदर रेफ्रिजरेंट और कॉइल से प्रोसेस करता हुआ ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जिससे उस जगह की गर्म हवा ठंडी में बदल जाती है और उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, और उतना कम होता है जितना आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है। अब बात आती है एयर कंडीशन काम कैसे करता है। एयर कंडीशन मशीन में मुख्य रूप से तीन तरह के पार्ट होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एवेपोरेटर। कंप्रेसर और कंडेंसर ये एयर कंडीशनर के रूम के बाहर इंस्टॉल किया जाता है, जबकि एवेपोरेटर एयर कंडीशन रूम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। एयर कंडीशनर का मुख्य कार्य रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं और कोई टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगा थर्मोस्टेट वातावरण के तापमान और जो टेम्परेचर आपने सेट किया है उसका डिफरेंस निकालता है और उसी के हिसाब से एसी ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद गर्म हवा एसी में लगी हुई ग्रिल पाइप से निकलकर रेफ्रिजरेंट से गुजरती है, जो कि इसकी गर्मी को अवशोषित कर लेती है, और एवेपोरेटर कॉइल सिर्फ उसकी गर्मी को नहीं सोखता बल्कि नमी को भी सोख लेता है। अब ये गर्म हवा रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से होकर निकलती है जहां इसको कंप्रेस किया जाता है और जिससे इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ये हॉट गैस कंडेंसर में जाती है। अब ये गर्म रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से होकर निकलती है जहां इसको कंप्रेस किया जाता है और जिससे इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर यह हॉट गैस कंडेंसर में जाती है जहां यह ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है, जिसके बाद कूल लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरती है जहां से इसका फ्लो कंट्रोल करते हुए इसको फिर से एक्सप्लोरेटर में भेजा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक हमारे द्वारा सेट किए हुए टेम्परेचर से एसी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए और हमारा जो रूम है जिस टेम्परेचर पे हमने सेट किया है वहां का टेम्परेचर उसके बराबर हो ना जाए। अब बात आती है कि ये एक एसी जो होती है वो इतनी बिजली खपत करती है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एसी जो होगा वो इतनी बिजली खपत करेगा। मार्केट में बहुत प्रकार के एसी हैं और उनकी रेटिंग दी गई है स्टार के अकॉर्डिंग। 5 स्टार की रेटिंग की जो एसी होती है उसकी जो बिजली की खपत होगी वो 0.8 यूनिट होगी पर घंटे के अकॉर्डिंग। वहीं पे 3 स्टार की जो एसी होगी उसकी 0.96 यूनिट होती है पर घंटे के अकॉर्डिंग, और 2 स्टार की एसी 1.2 के अप्रोक्स बिजली खपत करती है। जैसे 5 स्टार की हम एक गणना करते हैं, 5 स्टार एसी एक दिन में 8 घंटे आप चलाते हैं तो एक दिन में 6.4 यूनिट लगभग खर्च करेगी, और इसके अकॉर्डिंग आपका मंथ का बिल होता है जो 192 यूनिट होता है। तो मीन्स आप मानिए अप्रोक्स 200 यूनिट का बिजली का बिल आपको 5 स्टार एसी का पर मंथ का आएगा अगर आप 8 घंटे चलाते हैं तो। अब बात आती है एसी के फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा, एयर कंडीशनर आपको बिना किसी शोर शराबे के बिना किसी आवाज के ठंडा प्रदान करता है। इससे आप माइंड डिस्टर्ब किए बिना गर्मी में आप काम कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। दूसरा फायदा होता है एयर कंडीशनर के यूज करने से आपको अच्छी क्वालिटी की ठंडी हवा मिलती है। तीसरा फायदा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। और चौथा फायदा, आपको वर्क करने में कंफर्टेबल फील होता है, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, बार बार बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ चीजों का नुकसान भी होता है, तो एयर कंडीशन के भी कुछ नुकसान है। एयर कंडीशन के अगर फायदे हैं तो नुकसान बिल्कुल होंगे और अच्छी तरह से होते हैं। एयर कंडीशन का पहला नुकसान होता है आपका मोटापा बढ़ता है। ठंडी जगह पे हमारे शरीर में एनर्जी खर्च नहीं होती है जिससे शरीर की चर्बी बढ़ती है। दूसरी चीज, यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर में जाते हैं और तो फिर आपको बुखार आ सकता है, फीवर की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कि आपको फीवर आ जाए। अगर आप टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो आपको थकावट के साथ साथ सिर दर्द भी हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी त्वचा से नमी सूख जाती है, नमी खिंच जाती है, तो जिससे आपके त्वचा पे रूखापन आ जाता है। तो ये रहे आपके एसी के नुकसान। अब एसी खरीदने से पहले आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना होगा, आपको अपने कमरे की माप लेके जरूर आप जाएं, जिससे आपको एक सुटेबल एसी मिल पाएगा, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आप एक अच्छी एसी ले जिससे ऑटो कट काम करे और आपका एक बार रूम ठंडा हो जाए
उसके बाद वो ऑटो कट हो जाए जिससे आपकी बिजली की खपत भी कम होगी और एसी पे लोड भी नहीं होगा, जिससे आपकी एसी काफी दिन तक अच्छे से चल पाएगी। तो कैसी लगी आप हमारी वीडियो आप देख के बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।